हेलो स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आ रहे थे कि आप क्लास सेवन्थ इंग्लिश का हमें जो 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का सॉल्यूशन बता रहे हो सर, उसकी पीडीएफ भी बता दीजिए कैसे डाउनलोड करना है। और मैंने बताया फिर भी पता नहीं क्यों नहीं डाउनलोड कर पा रहे हो। तो देखिए, अध्याय 1 से लेके इस वीडियो में हम अध्याय 15 तक का आपको जो पीडीएफ देखने को मिल रही है, ये देखिए पीडीएफ है आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये अध्याय 15 तक यहाँ पर आपका देखिए अध्याय 3 2 निकल चुका है, ये 3 है अध्याय। अध्याय 3 के बाद फिर हम आगे चलेंगे तो ये आपका अध्याय 4 अनीता फीड्स अपू ये आ जाएगा। तो देखिए बच्चों सभी अध्याय हैं, देखिए जैसे ही हम आगे चलेंगे तो ये फिर आपका अध्याय है ना 5 है। अध्याय 5 के बाद अगला अध्याय जो आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा वो है देखिए ये आपका 7 है। यहाँ पर ये जो आपका अध्याय है वो 6 है ना। हम कोई भी चैप्टर्स स्किप नहीं करेंगे, सभी चैप्टर्स का एक ही वीडियो में देखेंगे। और कैसे आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करेंगे मैं खुद प्रैक्टिकल बताऊंगा, आपको कुछ नहीं करना। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करोगे ना तो फिर मुझसे मत बोलना कि आप सर पीडीएफ बोलते हो और फिर बताते नहीं हो। वीडियो में ही बताया जाता है। और ये क्वेश्चन ना मैं बिल्कुल आपको जल्दी जल्दी बताऊंगा, मैं बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आपको भी अपनी वर्को बुक में इनको लिखना होता है, आपके पास भी है ना, तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ये लेसन 8 है, तो आपको क्या करना है पूरी वीडियो को देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ये लेसन 9 है, यहाँ पर हम लेसन 1 से 15 तक संपूर्ण हल लेकर आ चुके हैं आपका। ये लेसन 10 है, पहले मैं एक बार आपको एक डेमो बता रहा हूँ कि इसमें है भी कि नहीं। ये आपका लेसन 11 लोरी है। इसके बाद फिर आपका आता है लेसन 12। लेसन 12 वन वे टिकट, ये है वन वे टिकट फर्स्ट। फिर इसके बाद आपका आता है लेसन 13 वन वे टिकट सेकेंड, और इसके आंसर्स ये हैं। और इसके बाद लेसन 14 ए विजिट ऑफ ओरछा। और इसके बाद आपका जो लास्ट इस वीडियो में रहेगा वो रहेगा लेसन 15 द कीन ऑफ झांसी। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर और पीडीएफ भी मिलेगी। वीडियो को पूरा देखना और इसके बिल्कुल मत करना बच्चों, ओके। और इस चैनल के माध्यम से आपको कक्षा 7 के सभी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन बताया जा रहा है, फिर भी आप पता नहीं कहाँ कहाँ देख रहे हो। बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको पीडीएफ भी उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन बच्चों फिर भी आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। मैं बता दूं, चैनल को पहली बार तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है और इससे आपको हमें कोई पैसे देने नहीं होते हैं, ओके। आपको चैनल बस एक बटन दबाना है, जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको क्लिक करना है बस, और सब्सक्राइब हो जाएगा। इससे आपका ही फायदा है कि आप हमारी जो और वीडियोज रहेंगी वो भी आप डाउनलोड कर वो हमारी आपके पास पहुँच जाएंगी। क्योंकि पहले प्रश्न का उत्तर आपको ऑप्शन बी कर लेना है, मैं जल्दी जल्दी से करवा देता हूँ ताकि जो बच्चे जिन बच्चों ने हमारे साथ अभी स्टार्ट किया है या पहली प्रीवियस वीडियोज नहीं देखी हैं तो उन बच्चों के लिए हम कोई वो नहीं लेना चाहते रिस्क, ओके। सेकंड में आप ऑप्शन सी 7 कर लें, ठीक है यहाँ के। इसके बाद क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 का और क्वेश्चन 6। तो यहाँ पर आप पहले 3rd और 4th के आंसर नोट करें, ये फिर 5 6 है। फिर आपका आता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, क्वेश्चन 7 का आंसर आपको यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन 7 के बाद यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन 8 है और ये क्वेश्चन 9 है, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन 10 आंसर आ गया। ये आप अपनी 8th ग्रेड बुक आप निकाल कर बैठे, ओके बच्चों, आपको बनना है, मुझे नहीं। मैं तो आपको क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। ये 11 है, ये आपका 12 क्वेश्चन है, इसका आंसर है यहाँ पर। फिर इसके बाद ये लेसन 2 है द वाई मैन 1। यहाँ पर आपको पहले क्वेश्चन का ऑप्शन भी भोला करना है, दूसरे का एक ऑल्ट करना है, तीसरे क्वेश्चन का आपको ये आंसर दिया गया है, ये चौथा क्वेश्चन है, ये 5वां 6वां का यहाँ से आप नोट करेंगे। पीडीएफ के लिए आपको वेट करना है, मैं इसी वीडियो में बताऊँगा। बिल्कुल स्किप करोगे तो आपको पीडीएफ नहीं मिलेगी, ओके, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ। फिर आप लोग बोलते हो सर पीडीएफ तो मिलती ही नहीं है, है ना। मैं एक एक प्रोसेस बताऊंगा, ठीक है मेरे बच्चों। क्वेश्चन 6 है, आप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 7 देखेंगे। शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन 8 और 9 का यहाँ पर क्वेश्चन 8 का पहले आप देखेंगे, ये आपका क्वेश्चन 9 है, ये 10 का उत्तर है। फिर ये आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन 11 का आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये आपका क्वेश्चन 12 है जो कि सेकेंड चैप्टर का है, यहाँ पर सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है। मैं आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, बस आपको आंसर देख लीजिए। ये आपका लेसन 3 है, इसमें ऑप्शन बी वाला आपको उत्तर कर देना 2, दूसरे प्रश्न में ऑप्शन ए कर देना सीप, है ना। तीसरे प्रश्न का आंसर आपको देखने को मिल रहा है, ये क्वेश्चन 4 है व्हाट इज द नेम ऑफ भोलाज वाइफ। साथ ही साथ आप अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में भी क्वेश्चन को मैच करते चलिएगा। ये क्वेश्चन 5 है, ए और बी का आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन 6 का आंसर लिखा हुआ है, है ना। ये क्वेश्चन 7 और 8 का आंसर्स आप यहाँ से नोट डाउन करेंगे क्वेश्चन। फिर इसके बाद 9 और 10 का आंसर्स आपको यहाँ से लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद देखिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, इसका उत्तर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन 11 12 का आप वीडियो को रोककर इसके आंसर लिखें। 12 के बाद देखिए लेसन 4 आता है आपका अनीता फीड्स अप्पू। तो पहले में आपको बी ऑप्शन भी है अप्पू कर लेना इसका आंसर पहले क्वेश्चन का। दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन भी कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन थर्ड है, इसमें आपको आंसर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन 4 और 5 के आंसर आप वीडियो को रोककर अपनी 8 ग्रेड में कंप्लीट करें, क्वेश्चन 6 का कंप्लीट करें। इसके बाद फिर आता है क्वेश्चन 7, ओके। क्वेश्चन 8 आप यहाँ से पढ़ सकती हैं और इसका आंसर आपको यहाँ पर ये दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन 8 का आंसर दे आर एक्साइटेड एंड ए लिटिल, ये दिया हुआ है। फिर ये क्वेश्चन 9 का आंसर आप अपनी बुक में नोट कर लें। इसके बाद ये क्वेश्चन 10 है। फिर आते हैं आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, क्वेश्चन 11। तो क्वेश्चन 11 में आपको क्या 5 सेंटेंस बताना है, पहला और दूसरा सेंटेंस यहाँ पर है और तीसरे चौथे पांचवें अगले पेज पर जो कि ये रहे, ठीक है, ये आपको लिख लेना है। इसके बाद क्वेश्चन 12 है, तो 12 का आंसर आप वीडियो को रोक कर लिख लें। इसके बाद आपका अध्याय 5 आता है द क्राउडेड ट्रेन। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए एसी कोचेस कर लेना है, दूसरे का टाइट एंड शर्ट कर लेना है, तीसरा क्वेश्चन का आंसर और चौथे क्वेश्चन का आंसर स्क्रीन पर देख पा रहे हो, इसको अपनी 8 ग्रेड में कंप्लीट करें। इसके बाद 5वां और 6वां प्रश्न है, इसे भी आप अपनी वर्कबुक में कंप्लीट करके लिख लें, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, प्रश्न 7 और 8 का उत्तर अपनी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में लिख लीजिएगा। 9वां प्रश्न है, इसका उत्तर ये यहाँ पर दिया गया है। 9वें और 10वें प्रश्न का उत्तर वीडियो को रोककर लिख लें, ठीक है प्यारे बच्चों। इसके बाद 11वां प्रश्न है, 11वें प्रश्न का उत्तर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसके बाद 12वां प्रश्न है, 12वां प्रश्न। इस तरीके से ये भी चैप्टर कंप्लीट होता है 5। इसके बाद आता है आपका लेसन 6 आई लव लिटिल पुसी, ये आपका लेटल वो लेसन 6 है। इसमें पहले प्रश्न का आंसर आपको वार्म कर लेना है और दूसरे प्रश्न में आपको कैट कर लेना है। तीसरे प्रश्न ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसका उत्तर है पुसी। चौथे में हर कोट कर लेना है। 5वें में यहाँ पर आपको उत्तर से दिए गए हैं, एंटोनिम से लिखना है। पुस का पुल हो जाएगा, बैट का गुड हो जाएगा। क्वेश्चन 6 के आंसर यहाँ पर दिए गए हैं, इनको अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा अपनी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में, है ना। क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 के आंसर वीडियो को रोक कर लिख लें। क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10 का आंसर भी आप वीडियो को रोक कर लिख लें। और यदि आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, ठीक है। PDF के लिए व्हाट्सएप चैनल को फिर ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। व्हाट्सएप आप सभी लोग चलाते होंगे, पहले मैं इंस्टाग्राम पर बता रहा था, आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो, लेकिन व्हाट्सएप ऑनलाइन मेरे हिसाब से सभी लोग चलाते हैं, तो वहाँ पर आपको PDF सेंड करना ज़्यादा सही रहेगा, है ना। क्योंकि यार अब आप लोग इंस्टाग्राम बहुत सारे बच्चे नहीं चलाते हैं, इसलिए मैं आपको व्हाट्सएप पर ही बुला रहा हूँ। व्हाट्सएप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, चैनल व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर पाओगे। एक क्वेश्चन 11 है ना। क्वेश्चन 11 का यहाँ से आप देखेंगे तो आंसर भी यहाँ पर दिया गया है, ये आपका यहाँ से आंसर है। क्वेश्चन 12 का भी नोट डाउन करें। इसके बाद आपका लेसन 7 आता है जो कि है द लोस्ट कैमल। यहाँ से पहले प्रश्न का उत्तर 5 करें, दूसरे प्रश्न का हानि करेंगे आप, और तीसरे प्रश्न का आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 4वां और 5वें और 6वें प्रश्न का आंसर आप अपनी 8 ग्रेड बुक में इस वीडियो को रोक कर लिखें। 6 के बाद 7, 8, 9 को भी पहले 7 और 8 के उत्तर लिखें अपनी वर्कबुक में। फिर आपका 9वां प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दिया गया है और ये आपका 10वां प्रश्न है। 10वें प्रश्न का उत्तर भी यहाँ पर क्या है, द ओल्ड मैन वाज नॉट पनिश्ड बाय द खलीफा। इसके बाद आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, इसमें क्वेश्चन 11 और 12 के उत्तर आप अपनी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में वीडियो को रोक कर लिख लें। क्वेश्चन 11, 12 के बाद अब हमारा लेसन 8 आता है द ओलंपिक चैम्पियन। इसमें पहले प्रश्न का आंसर है 4 years और दूसरे क्वेश्चन का आंसर है सिडनी। तीसरे क्वेश्चन में आपको कर लेना है उत्तर, तीसरे चौथे का आंसर आप वीडियो को रोक कर लिख लें। इसके बाद यहाँ पर आपका 6वां प्रश्न और 7वां प्रश्न है, 6वां प्रश्न और 7वें प्रश्न को लिखें। इसके बाद 8वां, 9वां और 10वां इन प्रश्नों के उत्तर भी आप अपनी 8 ग्रेड में कंप्लीट करें, ठीक है। इसके बाद 11वां प्रश्न है, 11वें प्रश्न का उत्तर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक पहले पेज पे एक दूसरे पेज पर आंसर है। तो आंसर में आपको बच्चों अब ये मत लिख देना, नहीं आप मुझसे बोलोगे, आप इतनी भूले भी नहीं हो, ठीक है। ये एक कीवर्ड है, ठीक है। आपको जो क्वेश्चन 11वें का आंसर जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आंसर लिख रहा है यहाँ से लिखना है। ये तो आपको बताने के लिए कि 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका क्लास 7 इंग्लिश का है, ओके। क्लास 12 सॉरी मे बी क्वेश्चन 12 देखें। क्वेश्चन 12 में आपको आंसर्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। आपको अपनी 8 ग्रेड जब आप बुक खोलोगे ना तो सब कुछ मिल जाएगा। ये 4th नंबर का है। इसके बाद देखें लेसन 9 द वाइट विजिटर। यहाँ पर पहला क्वेश्चन का आंसर शांति भवन करना है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर मिस्टर घोष करना है, तीसरे में आपको एन ऑफिस इन कालीघाट इन कोलकाता। क्वेश्चन 4 का आंसर हु वाज डिजाइन एज वाइट विजिटर। तो इस तरीके से क्वेश्चन 4 का आंसर, 5 और 6 के आंसर वीडियो को रोक कर लिखें। इसके बाद क्वेश्चन 7 और 8 और 9 और 10 7, 8, 9, 10 के आंसर वीडियो को रोककर अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में कंप्लीट करें। इसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन 11 पहले पढ़ लें आप, फिर इसका आंसर यहाँ से लिखें। ओके, फिर इसके बाद क्वेश्चन 12 है, इसका आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 5 सेंटेंस लिखना है अबाउट डॉक्टर दास के ऊपर, तो यहाँ पर लिखी हुई है। इसके बाद प्यारे बच्चों लेसन 10 है, इसका आंसर यहाँ पर आप अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में पहले क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे स्टार्स, और सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे आउटसाइड। तीसरे क्वेश्चन का आंसर आपको ये यहाँ से लिख लेना है। तीसरे क्वेश्चन के बाद ये 4th क्वेश्चन है। इसके बाद 5th क्वेश्चन का आंसर से आपको यहाँ पर ये दिया गया है सन और ट्री, ठीक है। 6th क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन में आपको एंटोनिम्स बताना है, तो आपको शॉर्ट का लॉन्ग हो जाएगा, गो का कम हो जाएगा। ये क्वेश्चन 7, 8 और 9 के उत्तर यहाँ से नोट डाउन करें, ठीक है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में इन क्वेश्चन के आंसर भी आपको नोट डाउन करना है। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स 11वां क्वेश्चन अभी उसका आंसर मिल नहीं पाया है, तो इसलिए वो उसका आंसर नहीं है, ठीक है। 11वां क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, आप तब तक इतना जो मैंने मटेरियल उपलब्ध कराया वो ज़रूर भरें। अब हम लोहरी जो कि है लेसन 11 इसके आंसर देखते हैं। तो इसमें पहले प्रश्न का आंसर आपको इन द मंथ ऑफ जनवरी आप करेंगे, यानी ऑप्शन ए। दूसरे में हेड ऐड करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 के आंसर्स यहाँ पर दिए गए हैं, है ना। तो यहाँ पर आंसर आप अपनी वर्कबुक में कंप्लीट करें। क्वेश्चन 5 का आंसर यहाँ से आप देखेंगे, विच थिंग्स मेक ऑन ऑर्नामेंट्स यानी कि होते हैं आभूषण होते हैं, तो नट्स एंड स्वीट मेट्स मेक द ऑर्नामेंट्स, ओके। क्वेश्चन 6 का आंसर यहाँ से लिखें। फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन 7, 8, 9 और 10 के आंसर्स आप यहाँ से वीडियो को रोककर अपनी 8th ग्रेड पुस्तिका में कंप्लीट करें। इसके बाद आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन 11 है, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको यहाँ से देखने को मिल रहा है। ये क्वेश्चन 11 का आंसर है पूरा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन 12 है, क्वेश्चन 12 का आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है प्यारे बच्चों। इसके बाद हम देखते हैं अगला जो कि है लेसन 12 वन वे टिकट। तो यहाँ पर पहले इसका क्वेश्चन 12 लेसन 12 का क्वेश्चन 1 का आंसर है शर्ट एंड पजामास, ओके, पिजामास, ठीक है। पजामा बोलते हैं ना, उसमें एस लगा दिया है, पजामाज। करिश्मा एज ईयर्स ओल्ड, तो ये कितनी किरसन था, ओके, तो किरसन 14 ईयर्स ओल्ड। इसके बाद क्वेश्चन 3 का आंसर लिखेंगे हाउ ओल्ड एज बिशनी, तो बिशनी एज 13 ईयर्स ओल्ड। क्वेश्चन 4 का आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, उत्तर लिखेंगे। क्वेश्चन 5 का आंसर यहाँ से लिखें और क्वेश्चन 6 का लिखें, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन 7 और 8 के आंसर आप अपनी वर्कबुक में कंप्लीट करें। इसके बाद क्वेश्चन 9 है ये, और ये क्वेश्चन 10 का आंसर आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन 11 और 12 का आंसर आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर। इसको अच्छी तरीके से वीडियो को रोक कर आप अच्छी तरीके से लिखें, ठीक है बच्चों। देखिए मैं आपको ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना रहा हूँ, अगर मैं चाहता तो इसे 1 घंटे की वीडियो बना देता, लेकिन उससे क्या फ़ायदा होता है जब आपका कोई मतलब नहीं होता ना, टाइम वेस्ट ही होता है आपका। इतने में तो आप वर्कबुक ही कंप्लीट कर दोगे, है ना। तो अब इसके लिए आपको अभी फर्ज बनता है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। लेसन 13 देखें वन वे टिकट, ओके। तो क्वेश्चन पहले का आंसर आपको 5 कर लेना है, ठीक है। दूसरे का आंसर आपको 11:30, ओके। यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सी दिख रहा है वो करना है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन 3 और 4 के आंसर यहाँ से नोट करें। ये 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन का आंसर से यहाँ पर आपको दिया गया है, ठीक है। इसके बाद 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आपको सभी क्वेश्चन के आंसर आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं, तो आपका फर्ज बनता है आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। इसके लिए आपको हमें कुछ देना नहीं है, ना ही हम आपसे कुछ लेना चाहते हैं, बस आप लोग वीडियो देख रहे हैं, यही बहुत अच्छी बात है। बस बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बता दें चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। यहाँ पर तो ₹15 लिखा है, लेकिन ₹0 आपको क्लिक करने के मिलते हैं सब्सक्राइब के, ठीक है। तो आपका कुछ नहीं जा रहा, तो बच्चों चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लो, ओके। और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लो, इससे हम जो भी और वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और हमने बता दिया है PDF के लिए मैं बार बार नहीं बता रहा, व्हाट्सएप चैनल लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, ठीक है। क्वेश्चन 8, 9, 10 का आंसर्स यहाँ पर आपको दिया गया है, यहाँ से नोट डाउन करें। इसके बाद 11 क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको यहाँ पर ये दिया गया है, ठीक है। इसको लिखें अच्छी तरीके से। क्वेश्चन 11 के बाद क्वेश्चन 12 है, इसको आप लिखेंगे आंसर। इसके बाद आपका जो आता है लेसन 14 ए विजिट टू ओरछा। यहाँ से आप पहला प्रश्न का आंसर लिखेंगे बेतवा एंड जामनी। दूसरे प्रश्न का लिखेंगे यहाँ पर आंसर ये। इसके बाद क्वेश्चन 3, 4 के उत्तर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इनको नोट करें। इसके बाद फिर आप देखेंगे क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 यहाँ पर आंसर दिया गया है ये। इसके बाद क्वेश्चन 6 का आंसर और क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 ये आप नोट डाउन करें, ठीक है। ये क्वेश्चन 9 है, तो क्वेश्चन 9 के आंसर यहाँ पर दिए गया है। इस साइड आंसर्स हैं आपका हेल्प का हेल्पफुल, स्किल का स्किलफुल, लेबर का लेबोरियस और करेज का करेजी। इसके बाद क्वेश्चन 10 है। इस क्वेश्चन 10 और 11 के आंसर्स यहाँ पर लिखें और ये आपका क्वेश्चन 12 है। इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर लिखें। इसके बाद हमारा जो अध्याय लेसन 15 है, इस वीडियो का लास्ट लेसन है। यहाँ तक हमने कंप्लीट बता दिया है, इसे भी कंप्लीट करते हैं। और अभी तक आपने कंप्लीट नहीं किया है तो जल्दी से आप इसे कंप्लीट करें, ओके। ये आपका है क्वेश्चन 1, 2 यहाँ पर इसके आंसर्स हैं, ठीक है। तो इसे आप जल्दी से नोट करें, क्वेश्चन 1, 2 के आंसर। इसके बाद ठीक है, क्वेश्चन 1, 2 के बाद पता नहीं मिसप्रिंट हो गया है शायद, तो मे बी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पहले दिए गए हैं आपको। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि 3, 4, 5 हैं वो बाद में देखने को मिलेंगे। तो पहले आप वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिखें। ध्यान दें बच्चों, मैं आपसे आगाह कर रहा हूँ, अलर्ट, कि आप लोगों को ये क्वेश्चन 6 का आंसर है नहीं आप 3, 4 का लिखते चले हो। क्वेश्चन 6 का आंसर यहाँ पर लिखा भी हुआ है ना। फिर ये आपका यहाँ पर है क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन 10 है। यहाँ से आप क्वेश्चन 11 का आंसर लिखेंगे, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन 12 है। तो अभी वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, 3 के बाद 4 और 5 है ना, तो इनके आंसर आपको मिल जाएंगे, बहुत जल्द मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हमने लगभग क्लास 7 इंग्लिश का अधिकतम हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो तो अच्छी लगी होगी, तो एक बार लाइक कर देना। लाइक करना भी बिल्कुल फ्री होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।